सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डाल्डा, ऑल्पर्स, लाइव बॉय और करशी में मैं हूं माया खान, आपको करती हूं खुशामदीद। प्रोग्राम में रोज़ की तरह हमारी फैमिली के हिस्से होंगे। ऑफ कोर्स एक मेरी खालाजाद भाई रिजवान घुमन, फुपीजाद भाई वकार हो गया। अगर आगे चलें तो हमारी एक फुपी बहुत ही प्यारी सी, जब मुस्कुराती हैं तो लाल गाल हो जाते हैं। ये उनके किचन की हीट की वजह से नहीं, उनके हंसने का अंदाज ही कुछ ऐसा है। हमारे प्यारे शेफ़ जलाल जब किचन में आते हैं तो पकवान की रौनक दुबाला हो जाती है। आगे बढ़ेंगे तो ज़िंदगी की कुछ ऐसी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे जो हमें मालूम तो हैं लेकिन शायद हमें याद दहानी कराने की और करने की ज़रूरत है। इरम ज़िया के साथ अगर ग़िज़ायत की बात करें तो इंटरनल और एक्सटर्नल किस तरीके से अपने आप को रौनक और ग़िज़ायत और सेहतमंद रखा जा सकता है, वो जानेंगे डॉक्टर उम्मे राहिल से। इससे पहले कि इन लोगों के पास चलें, इन सबको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का आगाज़ इस बात से करते हैं कि इस तमाम तमहीद मानने का मकसद ये था कि मैं जो अपने लिए अच्छा समझूं तो वो अच्छा, मैं अगले के लिए वो अच्छा ना समझूं। हैं, अच्छा मैं अगर जो कर रही हूँ उसको करने के सही मैं 77,777 बहाने ढूंढ सकती हूँ, लेकिन अगर अगले के लिए वो सही नहीं तो वो ही बहाने मैं 77,777 बना सकती हूँ। ठीक हो गया, अपना कोई जानने वाला गलत करे तो क्या हो गया, गलत करोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। और अगर किसी गैर ने जो आपका अपना नहीं है उसने कुछ गलत कर दिया, हो उसने ये गलत कर दिया, हद हो गई शराफत की। माशरे को, दुनिया को क्या होता जा रहा है। मेरी बात लीजिए, लोगों ने मुझसे कई बार पूछा ये सवाल कि तुम इतनी समझदार होकर, इतनी अक्लमंद, इतना तजर्बा तुम्हें ज़िंदगी का है, लोगों का है, केसेस का है, शोज़ का है, तुमने ज़िंदगी में इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर दी कि गलत इंसान को चुन लिया। मैंने कहा तो कहाँ लिखा था मैं गलती नहीं करूँगी, कहाँ लिखा था मैं गलती नहीं करूँगी। हाँ, अब ये मेरी सीख है कि मैं वो एक गलती दोहराऊँ नहीं, फिर तो मेरी बेवकूफ़ी आ गई बॉस। लेकिन अगर मैं अपनी गलती करने के बाद उसको मानूँ और उसको एक्सेप्ट कर कर, उसको अकोमोडेट करके, उसको अडेप्ट करके अपनी लाइफ में इस बात का लेसन लूँ कि हाँ अब ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ना कोई आपकी मोहब्बत का गलत फ़ायदा उठाए, ना कोई आपकी जो है भरोसे का आपके गलत फ़ायदा उठाए, आपके प्यार का कोई गलत फ़ायदा ना उठाए, आपके एतबार का कोई गलत फ़ायदा ना उठाए, आपकी दी हुई इज़्ज़त का गलत फ़ायदा ना उठाए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखने के लिए ज़रूरी है, मुझे माया खान, मैं किसी की बात नहीं करती, क्योंकि एक उंगली अगली तो चार उंगली मेरी तरफ, मैं अपनी बात करती हूँ कि मुझे अपनी गलतियों से सीखने की ज़रूरत है। एक, दूसरा जो मेरे लिए गलत वो अगले के लिए भी गलत, जो मेरे लिए अच्छा वो दूसरे के लिए अच्छा। कोशिश ये करो माया खान, जो किसी के लिए अच्छा करने की कोशिश करो तो देखो कि क्या वो तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर तुम्हारे लिए अच्छा है तो पहले दूसरे के लिए कर दो, फिर देखो रब ताला तुम्हें कैसे अता करता है। मेरा ये ईमान है कि हमारे साथ जो अच्छे लोग जुड़ गए ना इस नशरियात में, जो आज पूरी दुनिया में, ये यूँ कहिए कि पूरे पाकिस्तान में, ये चलिए और छोटा कर लीजिए पूरे कराची में, जो माशाल्लाह एक दूसरे के साथ वर्ड ऑफ माउथ हो रहा है कि कभी मुर्तज़ा भाई को मैसेज आ रहा है कि जी माशाल्लाह हमें वहाँ से लोग कह रहे हैं आने के लिए, डॉक्टर साहिबा से ख्वाहिश ज़ाहिर की जा रही है, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, जलाल को मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई हमारे प्रोग्राम में ज़रूर बुलाएं। बखुदा हमारे पास अगर वक्त होता तो हम सबको बुला लेते, लेकिन ये हमारी उस दी हुई ईमानदारी का रिज़ल्ट है कि आपकी मोहब्बत, आपके अल्फाज, आपका फ़ीडबैक इस बात का कि आप इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं। बेहद बेहद हम सब की तरफ से बेहद शुक्रिया। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डाल्डा, ऑल्पर्स, लाइव बॉय एंड करशी में मैं हूं माया खान। हम बढ़ रहे हैं अफ्तार के दस्तरखान की तरफ। इस वक्त के बाद रहिएगा हमारे साथ। बस यूं गए और यूं आए, ये माशाल्लाह यहाँ पर कर रहे हैं हमारे इंतज़ार वक़ार और उनके तमाम साथी। बहुत ही खूबसूरत कलाम होगा और बहुत ही अच्छा जो है वो यहाँ पर बातचीत भी होगी। रहिएगा हमारे साथ जी, अभी वापस आए। अस्सलाम वालेकुम शेफ जलाल, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। कल आपने चिकन कढ़ाई बनाई, आज आपने चिकन कढ़ाई पहन ली। वाह वाह, इसे चिकन कढ़ाई कहते हैं। मैंने तो ये चिकन कढ़ाई पहनी है, मगर वकार भाई ने जो शॉल पहनी है ना, हाय हाय हाय, मार ले दोनों भाई, आधा आधा कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत है ना, खूबसूरत। एक तो वैसे खूबसूरत है माशाल्लाह से, और चादर ने और खूबसूरत कर दिया। बिल्कुल, बस असद भाई कह रहे हैं कि इस पर पहले मैंने बुकिंग की हुई थी तो बस देखते हैं इंशाल्लाह ब्रेक में फैसला होगा। लेकिन ये ब्रेक खत्म हो गया, चलते हैं हमारे खूबसूरत। कैसे हैं आप लोग, कहाँ गायब थी आप इरम? बस आपके दिल में मौजूद, दिल में तो मौजूद थी। हम जब भी तो दिल में बातें पता नहीं क्या क्या कर रहे थे आपसे। कहाँ चली गई बहन? आ रही थी आवाज। ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। देखते ही देखते माशाल्लाह आज 7 रमज़ान आ गया। आप देखिए किसने जल्दी जो है वो एक हफ्ता गुजर गया है रमज़ान का और पता भी नहीं चला। वाकई में रातें ज़रा सा ठंडी हैं, दिन थोड़े से नस्बतन गर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। हम चलेंगे आगे कुछ सवालात को लेकर। इरम आपकी तरफ भी आएंगी, डॉक्टर साहबा आपकी तरफ भी मैं आती हूँ। बतौर माँ देखिए आप लोग अक्सर बात करते हैं कि माँ होने की जिम्मेदारियाँ, औलाद, फैमिली। इरम हमारे साथ इसलिए बड़ी मुश्किल से कभी वक्त निकालने की, क्योंकि उनकी बेटी जो है वो उनके बगैर अफ्तार नहीं करती। ये प्रायोरिटीज़ हैं लाइफ की, ठीक है ना? डॉक्टर साहिबा यहाँ से कभी वापस जा रही होती हैं तो एक को फातिमा को उठाती हुई जा रही होती हैं या ड्रॉप करती भी जा रही होती हैं। ये माँ की जिम्मेदारियाँ हैं। ये नहीं कि माँ ने कोई मेडल लेकर आई थी कि मैं ये करूँगी, लेकिन वो इन जिम्मेदारियों से हट नहीं सकती, निकल नहीं सकती। एक माँ, बतौर माँ एक औरत की जिम्मेदारियों की बेसिक्स क्या हैं डॉक्टर साहब? ज़िम्मेदारियों के बेसिक्स क्या हैं? देखिए ज़िम्मेदारी ये है कि उससे जुड़े हुए जो भी रिश्ते हैं, जो उसकी तरफ नज़र करके बैठे हैं, उनको मायूस नहीं करना। मतलब ज़ाहिर सी बात है, माँ बाप भी हैं, शोहर भी होता है, बच्चे भी होते हैं, जितने लोग हैं, बहन भाई, जो भी आपके साथ जुड़े हुए रिश्ते हैं ना, अगर वो आपकी तरफ नज़र करके बैठे हैं तो उनकी, इसलिए कि आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी है ये। खासकर बच्चे, जैसे कि बच्चे आप पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो है आपका है वो बच्चा है, उसको आपने देखना है। पहली बात को जोड़ूंगी, लोग कहेंगे पहले का तो अपने आप को पहले रखना है, लेकिन उसमें ये नहीं है, खुद गर्जी कहीं नहीं शामिल हो। शामिल नहीं है। आपने अपने सारे रिश्ते निभाते हुए, जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने आप को देखना है, इसलिए कि आप सेहतमंद हैं, आप खुश हैं, तो आप अपने से जुड़े रिश्तों को खुश रख सकेंगे। यही बात पहले भी जी आप लोग कहते हैं ये तो मैं पहले कुछ कहा था, अभी कुछ कहा। तो मैं अगर अपनी जिम्मेदारी की बात की, अगर मैं डिप्रेस हूँ, मैं परेशान हूँ, बीमार हूँ, तो मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी कैसे उठाऊँगी? कैसे उठाऊँगी? बच्चे को कॉलेज जाना है, बच्चे को डॉक्टर के पास जाना है, बच्चे को एडमिशन के लिए जाना है, उसको शॉपिंग के लिए जाना है, या उसको कुछ और मसला है। बिल्कुल सही। मैं खुद ही नहीं उठ सकती, तो यहाँ पे पहले अपने आप को देखना है। और ये भी हमारी जिम्मेदारी, अपने आप को फिट रखना है, अपने से जुड़े हुए रिश्तों के लिए उनकी ज़रूरियात, उनकी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए। ठीक हो गया, अपने आप को फिट रखना है। इरम यही सवाल आपकी तरफ भी, क्योंकि देखें ये एक जेनेरिक सवाल है आप दोनों के हवाले से। फिट रखना है फिज़िकली, मेंटली फिट रखना कितना ज़रूरी है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेंटली फिट रखना इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना मेंटली फ़िट होते हैं आपकी फ़िज़ीक ऑटोमेटिकली एक फ़िटनेस को फॉलो करती है। क्या बात! अगर आपका जहन मुतमईन है, जहन रोशन है, कुशादा है, वसअत है, उसमें रोशनियाँ हैं, उसमें और उस जहन में एक ऐसी क़ुव्वत है जो दूसरे के अंदर एनर्जी पैदा कर देती है, तो आप फिर उस माहौल को एक बहुत खूबसूरत माहौल बना देते हैं। क्योंकि देखो सारी चीज़ों का, मैं हमेशा ये दिल और दिमाग की जो इकबाल ने भी जंग कही थी ना, इसमें मैं भी बहुत फंसी रहती हूँ और मुझ पे मेरा दिल ज़्यादा हावी, ऑनेस्टली मुझ पे मेरा दिल ज़्यादा हावी होता है, दिमाग नहीं, तो मैं दिल की ज़्यादा सुनती हूँ। लेकिन बात यह है कि हम कंट्रोल यहाँ से होते हैं, हमारे दिल को भी बहुत सारा कंट्रोल यहाँ से मिल रहा होता है, हमें सारे मैसेजेस यहाँ से आ रहे होते हैं, उठ जाओ, बैठ जाओ, भागो, दौड़ो, जल्दी करो, एहसासात इधर आ गए। अब ये जो दोनों का कनेक्शन है ना, कंट्रोल इधर से हो रहा है, लेकिन एहसासात की वो जो मोहब्बतें यहाँ से निकल रही हैं। अब ये जितना सही है ना, आप जितने मेंटल स्टेबल हैं मेंटली, आपकी फैमिली उतना ज़्यादा ग्रो करती है। और देखो माँ जो है ना, कि वो अपना प्यारा शेर है कि इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। बिल्कुल सही है। माँ बहुत गुस्से में हो तो रो देती है, और अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया, उजाला हो गया। बेशक, तो माँ की बात यही है कि जब माँ की आंखें खुली रहती हैं, रोशन रहती हैं, तो बच्चे तो अपनी माँ को देख के जीते हैं, उस घर की वो रोशनी है। बाप शजरे सायादार है, लेकिन बच्चों की वो जो कॉर्ड पैदाइश से पहले माँ से जुड़ी है ना, वो माँ के लहद में जाने के बाद भी जुड़ी रहती है। बिल्कुल ऐसा ही आज अम्मा जो हैं वो सोती रह गई, उन्हें रोज़ वो मुझे देखती हैं जाते हुए, जब मैं तैयार होती हूँ तो उनको मेक श्योर होता है कि वो देखें मुझे कि मैं, फिर वो कहती हैं मैं नज़र उतारती रहती हूँ, मैं पढ़ती रहती हूँ। मैंने कहा अम्मा जब भी तो मुझे नज़र नहीं लग रही, आप पढ़ती रहती हैं जब भी तो वो वाली बात है कि बिस्तर पे भी अगर हैं और अगर रोज़े में भी हैं और जिस कैफियत में भी हैं, घरों में हैं, ज़िंदा हैं, बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आएंगे, कुदरती चीज़ों से एंटीबायोटिक। देखिए ख़वातीन किचन में अक्सर काम कर रही होती हैं, हमने किचन को लेकर हमने अक्सर सेगमेंट्स किए, जिस तरह बर्न्ड केसेस के हवाले से हमने किया तो डॉक्टर साहब आई थी। अगर आप किचन में हैं, काटते हैं, पीटते हैं, कटिंग हो रही होती है, कुछ भी हो रहा होता है, सबसे बेहतरीन एंटीबायोटिक कौन सा है? अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी इजाज़त चाहिए प्लीज़। देखिए हाँ। हम बैठ के बात कर रहे होते हैं, जो किचन में जो घर में खातून काम कर रही है वो कहती है कि जी बैठ के बातें कर रहे होते हैं, काम करे तो मैं किचन में जाके आप, आपका सेट है भाई, कौन रोक सकता है। आइए 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 आइए, बल्कि आप आना चाहें तो बिल्कुल आऊंगी मैं। किचन में बहुत सारी कुदरती चीजें होती हैं। सवाल ये होता है कि तो बैठ के ना सोफों पे एयर कंडीशन रूम में बैठ के बातें कर रहे होते हैं, माइक लगा हुआ है, फिर भी आप अच्छा ओके फिर भी ठीक है मैं रख लेती हूँ। तो वो कहते हैं कि जी बैठ के बातें करना तो बहुत आसान है, किचन में काम करें तो पता चले कि क्या। अच्छा ठीक है, कि आपने बात की थी तो किचन जो है खजाना है और एक पूरा मेडिकल स्टोर है। अच्छा वॉकिंग स्टोर। रमज़ान की सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, आज रमज़ान के ये पूरे दिनों में जो गुजर गए, आज उस्ताद जो है ना मेरे सेट पर, बेहोश ना हो जाइएगा कहीं, उस्ताद किचन में आए। हाँ तो एंटीबायोटिक की अगर आपने बात की तो किचन, अगर हम कहते हैं कि आप किचन से इलाज करें, पूरी दुनिया में किचन से इलाज होता है। एंटीबायोटिक किचन में बेतहाशा चीज़ें, हम गरम मसाले की बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं, हम अपने जो सब्जियों की बात करते हैं, बिल्कुल। तो मैं एक एक चीज़ ही बताऊँगी अलग से। सबसे पहले ये प्याज है ना, ये प्याज का पानी है, प्याज का ठीक है, प्याज जो है खुद इट्स सेल्फ एंटीबायोटिक है, प्याज एंटीबायोटिक है, एंटीमाइक्रोबियल है। अच्छा प्याज से होता क्या है, हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, सालन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये खांसी के लिए बहुत इफेक्टिव है। अच्छा अगर खांसी आपका गला खराब हो रहा है, इसका पानी आज निकाल लीजिएगा, थोड़ा सा शहद मिला के रात को काली मिर्च मिला के पी लीजिएगा, तो ये खांसी बलगम जो है उसको आराम देगा। अच्छा ठीक है, प्याज में डॉक्टर, प्याज में प्याज। अच्छा ये तो बढ़िया, प्याज का रस तो बेहतरीन है खांसी के लिए, बलगम के लिए। उसके अलावा यही प्याज जो है आपको किसी कीड़े ने काट लिया है, आप प्याज थोड़ा सा लगा दीजिए, पानी का प्याज का पानी बालों पे लगाने से गंजपन के लिए, गंजपन के लिए पानी भी ना लगाएं, सिंपल आपने प्याज का स्लाइस लिया और उसको मसाज करना शुरू कर दिया, रोजाना कीजिए। लोग कहेंगे किसी चीज़ से आराम नहीं आता जो प्याज से आराम आता है, क्या बात कर जल्दी बात। अच्छा और अगर पेस्ट ना हो तो बकिया जात जो आपने बताया वो खाली प्याज काट के भी हम लगा के, बालों के लिए ज्यादा अच्छा है कि आप प्याज, जैसे आपने एक टुकड़ा काटा उसका प्याज का हाफ, कुछ नहीं करना और उसको खूब अच्छी तरह से रब किया, ठीक है, ये आपने थोड़ा सा प्याज का टुकड़ा लिया और काटा, साबुत उसको हाफ किया। ये देखिए मैं अच्छे शागिर्द हूं माया। हां माशाल्लाह, अल्लाह रज़ा बस हो जाए माशाल्लाह, थू 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 अच्छा। हां तो ये प्याज जो है इसके बहुत ज्यादा फायदे, वो फोड़े हो जाते हैं, कुछ ऐसे जख्म हो जाते हैं जिसमें दर्द होता है या कुछ गुठलियां हो जाती हैं, इसको प्याज गरम करना है, अलसी के साथ पेस्ट बनाना है, अलसी को पीसा, प्याज गरम किया, जहाँ पे फोड़ा है उसके ऊपर आपने अलसी लगा के प्याज गरम बांध दी, वो फोड़ा जो है अगर घुलने वाला होगा तो घुल जाएगा, अगर फटने वाला होगा तो फट के उसका मवाद निकल जाएगा। और बाद में पुराने टाइम में यही हुआ करता था, ऐसे ही होता है, जाहिर है वही कही ना, पूरा स्टोर है किचन भाई है। अपने बचपन में थे मतलब जब दानिश भाई, क्योंकि हम तो 100 साल हो गए होंगे, हाँ दानिश भाई ने हमें बताया था कि मेरे बचपन में ये हुआ करता, अच्छा हुआ करता था, वेरी नाइस। इंशाल्लाह हम अभी तक 100 साल तक जी रहे हैं, देखा इसी वजह से कि ये जड़ी बूटियां इस्तेमाल करते हैं। आज पता चला, प्याज दूर रखूंगी अब। लेकिन डॉक्टर साहब आप जो बता रही हैं जी बताइए। इसके अलावा सौंफ हमारे घर में किचन में मौजूद होती है, खुद एंटीबायोटिक है, ठीक है, ये भी एंटीबायोटिक है, इससे आपका जो है खाना हजम हो जाता है। खाने के बाद इफ्तारी बहुत ज्यादा खा ली है आपने, सिर्फ सौंफ का पुदीने का कहवा बना लीजिए, आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, आपका बदहजमी नहीं होगी, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी। जिनको फ्लू बहुत होता है, इसी सौंफ के साथ दालचीनी डाल के उसका कहवा पीना शुरू कर दें तो फ्लू जो है उनका क्लियर हो जाएगा। कहते हैं कि सौंफ तो ठंडी होती है, और ठंडी होती है, ठंडी लेकिन उसके ये कि वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करें, ठंडी हो रही है आप पुदीने के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट के दर्द के लिए, हाजमे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका हाजमा जो है ये बेहतर बनाता है। और सबसे प्यारी चीज़ जो बहुत ही पसंद है ये है हल्दी। हल्दी आज मैंने अपने घर में ना हल्दी की साबुत जो हल्दी होती है वो हल्दी आपको दो तरह की हल्दी, हाँ एक साबुत और एक पाउडर इलेक्ट्रॉनिक, एक वो होती है आंबा हल्दी होती है, एक आंबा हल्दी होती है जो मैंगो जिंजर कहलाती है और नॉर्मल हल्दी है। ठीक है, अच्छा हल्दी की जो साबुत हल्दी जो हल्दी की जड़ कही जाती है वो बेस्ट है। आप सिर्फ थोड़ा सा उसको चूल्हे पे गरम करें जैसे या कोयले पे गरम करें। जिनको बलगम है, जिनको दमा है, वो सिर्फ उसकी स्टीम ले लें तो अरे बाप रे हो जाएगा। अगर जैसे आज मैंने अपने अब्बू के लिए मंगवाई, उनके सीने में जकड़न बहुत है, खांसी बहुत है, ठीक है, तो वो हल्दी की जड़ जो है पानी में पका के शहद डाल के उनको दिन में 2 से 3 बार देंगे तो इंशाल्लाह वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा इस तरह अपना जलाल को भी ये हो रहा है 2-3 दिन से गले का प्रॉब्लम है, तो कल रात को भी जब हम जा रहे थे इफ्तारी के बाद तो मैंने आपका याद दिलाया ये वो सारा। इवन आपने वो ऑलिव ऑयल का भी ऑलिव ऑयल का उसमें जो वो मैंने किया तो उससे फर्क पड़ा। और जज़ाकल्लाह, ऑलिव ऑयल के बगैर तो मैं रहती नहीं हूँ, आपको पता है मेरी आदत, वो बोतल साथ चलती पूरी दुनिया में मेरी ऑलिव ऑयल की बोतल साथ चलती है। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये अगर हल्दी का पाउडर हम उसमें डालें, क्या कहते हैं कोयले पे, जिस तरह अक्सर धुनी देने के लिए हम कोयला करते हैं, वो हम डाल दें और उसकी धुनी बिल्कुल नहीं तो उसकी हल्दी की जो गांठ होती है गिरा होती है वो जला लें, नहीं तो ये थोड़ा सा डाल के इसकी धुनी ले लें। ये दमा के एस्मा के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, नहीं भाई बहुत इफेक्टिव है कि वो जो बहुत जिनको एकदम अटैक हो जाता है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। और आज आपने इफ्तार करने के बाद हल्दी शहद मुलैठी का कहवा पीना है लाजमी, और ज़्यादा तकलीफ है तो उसमें आपने सिर्फ काली मिर्च जो नहीं पिया ना तो फिर तुसी देखो आज तो काफ़ी काली मिर्च और 2 लौंग लेके चबाओ और गर्म चाय पी लो बस। ये जो दुखान है इससे कि और भी बहुत सी चीज़ें, लेकिन किचन से मैं असल में मेरे ख्याल से सभी को है, काफ़ी सारी हमारी फैला हुआ है, अगर ये कि इंशाल्लाह हो जाएगा, बिल्कुल इंशाल्लाह हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। कल बड़ी प्यारी बातें हो रही थी इरम, हमने आपको बड़ा मिस किया कल वाले उलमा कराम वाले सेगमेंट में, डॉक्टर साहब आपको भी बड़ा मिस किया। तो कल जब ये बात हो रही थी तो बात करते करते ख़वातीन के ऊपर बात निकली कि जी औरतें जो हैं वो किस हवाले से अपना किरदार कैसा अदा कर पा रही हैं या आज की औरत का किरदार कैसा होना चाहिए, तो फिर समी वगैरह सब लोगों ने सोचा कि हम क्यों ना आज आपसे भी ये सवाल करके देखें कि जो माँ की गोद है वो पहली एजुकेशन की पहली सीढ़ी है, तो क्या आज इस वक्त फ़ी ज़माना जो हमारी मदर्स हैं वो दर्जगाह बन पा रही हैं उस हवाले से? सच कहूँ, सच कहिए, रोज़े में हैं और ऑफ कोर्स देखो कोशिश ज़रूर करती हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आज की माँ कोशिश नहीं करती, लेकिन शायद हम माओ ने ना अपने आप को इतना ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लिया कि कहीं बहुत ज़्यादा चाहते हुए भी हम अपने बच्चे को वो क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे कर सब कुछ बच्चे के लिए रहे हैं कि ठीक है हमारा बच्चा हमसे सीखे, एक वो सीख मिले, या जो हमारी वर्किंग लेडीज़ हैं, मेरी बहनें हैं घरों से निकल रही हैं, डेफिनेटली एक तो जो उन्होंने तालीम माशाल्लाह हासिल की उसको बरूएकार लाना, दूसरे ये कि अपने हस्बैंड का हेल्पिंग हैंड बनना, तीसरे ये कि ज़ाहिर है इंसान ये सोचते हैं कि यार मेरे बच्चे हैं किसी चीज़ की कमी ना रहे, आप कर सब कुछ उनके लिए रहे हैं, लेकिन उनका जो ज़्यादा वक्त मेट्स के साथ गुजर रहा है तो वो उनकी वो तरबियत नहीं कर पा रहा जो आप करती है। अच्छा जब बच्चा पैदा होता है तुम देखो कि हमने ये बात पहले भी की, माया अल्लाह की बड़ी कुदरत है बेशक कि माँ की जो आवाज़ है ना वो बग़ैर किसी रुकावट के 9 महीने वो बच्चा सुनता है, बिल्कुल हर आवाज़ में रुकावट है सिवाय माँ की आवाज़ के बेशक, और इस दिल की धड़कन की ये जो लुबडुब है ना तो बच्चा इससे रोशनास होता है, इसीलिए जैसे ही माँ के सीने से बच्चे को लगाया जाता है बच्चा काम हो जाता है क्योंकि वो दुनिया में आके परेशान होता है, उसका माहौल चेंज होता है, तो जब वो वहाँ आता है तो वो आवाज़ और वो हार्ट बीट वो लुपडुप वो कहता है कि नहीं आई एम इन सेफ हैंड्स, तो बच्चे के साथ माँ को खौफ नहीं होता। अब माँ जो होती है वो बच्चे को अपने से चिमटा के रखती है, प्यार करती रहती है, लिपटाती है, उसकी खुशबू एक लम्स सब कुछ होता है, मगर अब 1 महीने बाद उसे ऑफिस जाना है, अब वो एक मेड को हायर करती है, ऑफिस में भी अगर साथ ले गई तो बच्चा उस मेड की गोद में, देखो वहीं से वो चीज़ मिस करना शुरू कर देता है। तो मैं हमेशा अपनी बहनों को कहती हूँ कि यू आर डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क, आप बहुत मेहनत कर रही हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन एक क्वालिटी टाइम जब घर में आ जाए तो सोचें बस अब मैं और मेरे बच्चे, और जहाँ पे भी आप प्रायोरिटी अपने बच्चे को दे सकते हैं माया वहाँ ज़रूर दे, क्योंकि देखो हम सबकी औलाद जिम्मेदारी है, हम प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन यकीन मानो इस औलाद के बारे में हमसे सवाल भी होगा। तो अगर इन बच्चों का कल सुधारना है ना तो इनका आज अपने साथ सुधारिए, इनको वक्त दीजिए, इनका ख्याल रखिए, इनकी छोटी छोटी बातों को सुनिए, इनकी बेवकूफ़ी की बातों को सुनिए और उसका जवाब दीजिए और इनसे जितनी मोहब्बत कर सकते हैं उतनी मोहब्बत। जज़ाकल्लाह। सॉरी आपके बात यहीं रोकनी पड़ेगी भाई, मेरे वक्फा लेना है मुझे, लेकिन वक्फे के बाद इस बात को जारी रखिएगा, ठीक है। और एक और बात कि ये जो मारना है, ये जो हमारे वक्तों में तो पिटाई कहते थे, पिटाई होती थी और हम तो पिटाई होने के बाद इंसान बन गए, लेकिन ये कितना आज के वक्त में सही और गलत है जानेंगे इस वक्फे के बाद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बाराने रहमत पावर्ड बाय डालडा, ऑल्पर्स, लाइव बॉय और करशी, और टॉम उम्मे राहिल, इरम ज़िया, शेफ़ जलाल और हमारी सारी फैमिली कर रही है आपका इंतज़ार। हमारे साथ रहिएगा। मुबारक 18 मार्च 2024। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बाराने रहमत पावर्ड बाय डालडा, ऑल्पर्स, लाइव बॉय और करशी में मैं हूँ माया खान। बड़ा है अफ्तार का दस्तरखान और साथ साथ जाते जाते मेरे प्यारे जो गुलाबी गाल वाले शेफ़ जलाल हैं वो कुछ कह रहे थे और वो उनकी बात सुनते सुनते फिर हम जाएंगे रेसिपी पे। जी मेरे भाई, मैं कह रहा था आपा जिस तरह से अभी बात कर रहे थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपा डॉक्टर साहब को बोल रहे थे ना जी, हाँ मैं तो आप भाई बोलते हैं, यही आप तो भाई हैं ना, तो मेरे ख्याल से इधर जो है ना डिफरेंस है, डिफरेंस है हमारी माएँ और बहनें जितनी भी हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, ठीक है, कि वो किस तरह से अपने बच्चे को ट्रीट करनी है। देयर इज़ क्लास B, C, A, ठीक है, जिस तरह से आपने कहा कि मासी जो है के साथ या मेट के साथ, हाँ, मेट के साथ आपका ज़्यादा टाइम गुजरता है, ये B क्लास या C क्लास तो आज के दौर में अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो क्या जॉब पे जाएगा तो क्या वो उनको करेगा, तो वो अगेन मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बड़ा डिफरेंस है कि C क्लास की जो हमारे जो गरीब है बिल्कुल, जो बेचारे जिनको महीने की 20,000 रुपए की इनकम है, ठीक है, या 25,000 रुपए की इनकम है, 30,000 की इनकम है, तो वो घर का किराया दे, तो बिजली का बिल भरे, तो गैस का बिल भरे, तो बच्चों का पेट कैसे पाले, तो वहाँ पे बड़ा बच्चों के साथ जो है ना फिर नाइंसाफी हो जाती है और चीज़ें, तो बड़ा दुख और तकलीफ होती है जब ये वाली बातें सुनते हैं कि आप बच्चों को टाइम दें, वो बेचारे बच्चों को टाइम देंगे। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जलाल भाई कि उस तबके से चाल रखने वाली जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को टाइम मुश्किल से दे पाती हैं, मुश्किल से दे पाती, कहाँ अच्छा दे पाती हैं, बेचारी घरों में मासियाँ बनी हुई हैं, काम कर रही हैं, हाँ। अब जैसे जो मेड है एक एग्जांपल है, उसका अपना बच्चा भी तो होगा ना, हाँ, हाँ, तो वो अपने बच्चे को देखेगी कि आपके घर पे आके काम करेगी कि उसका पेट में पाल लूँ, सही बात है, और वो जब पेट पालने पे आती है तो वो बच्चे को टाइम नहीं दे पाती। हम कितना देते हैं, हम 8,000 रुपए देते हैं, 10,000 रुपए देते हैं, ठीक है, ज्यादा देते, तो कम से कम 3-4 घरों में काम करके मुश्किल से 20-25,000 रुपए की इनकम। लेकिन यहाँ पे एक बात कहूँगी कि देखिए वो जो भी टाइम देती, बहुत आजकल तो हर दूसरी औरत काम कर रही है, हाँ। तो वो जो भी टाइम देती चाहे वो चंद घंटे, वो क्वालिटी टाइम होता है, ठीक है, इसलिए कि जैसे अब अगर मैं भी रात को घर पहुँचती हूँ, फिर उसने हस्बैंड को भी तो टाइम देना है, नहीं ऐसा काम भी करना है, अंडरस्टैंडिंग होता है, वो समझता है। जलाल देखो जब औरत अर्न कर रही होती है ना तो कम से कम इतनी फैसिलिटी, मासी को के तो बच्चे होते हैं तो वो घर को देख रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन जो एक दूसरी औरत अर्न कर रही है वो अपने घर में, चलो एक डोमेस्टिक आप मेड रख लेते हो कि जो आपका ऊपर का काम कर देती है, बात सिर्फ यही है क्वालिटी और क्वांटिटी में हमेशा फर्क होता है। एक माँ जो 24 घंटे घर में, लेकिन वो अपने बच्चे को बहुत गुस्सा कर रही है, उसकी सास नंदों से नहीं बन रही, वो उसे बातें भी सुना रही है, शोहर का सारा गुस्सा वो मारपीट के उस पे निकाल रही है, या बाहर का भी कहीं बेहतर वो माँ है जो घर आके अपने बच्चे को शफकत से सीने से लगा रही है, उससे पूरे दिन की बात पूछिए, टाइम ही नहीं मिला ना, नहीं नहीं टाइम ही नहीं मिला, जो टाइम मिला उसको उसने तो गले लगाना है, जिसने पूरा दिन देखना उसने तो बोला इधर आते। देखो बात ये कि देखो माँ जो है ना, हर माँ को माँ है, जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत बीवी है ना मेरा बच्चा, वो तो मुझे मालूम नहीं, मैं सुन रही हूँ, मैं तो सिर्फ नहीं, तो माँ है और बाकी उसको वो किरदार पूरा करना। माया मैं हमेशा बात कहती हूँ बच्चा पालना भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉब है, और जब भी कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है ना देन यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा इन इट, वो माँ को एफर्ट ज्यादा करनी पड़ती है अपने बच्चे पे एहसास दिलाने के लिए कि मैं कैसे करे, आप बताएं, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ जो कह रही है कि माँ को एक्स्ट्रा एफर्ट देनी पड़ती, कैसे करें एक्स्ट्रा एफर्ट? देखें आप बात वही है भाई, बात वही है कि एफर्ट देंगी कैसे, ठीक है, कैसे कैसे रहेगी? रूटीन की वजह से कह रहे हैं, रूटीन की वजह से आप वो टाइम, वो क्वालिटी टाइम आप दे ही नहीं सकते मेरे ख्याल से। नहीं, यहाँ पे मैं एग्री, आप यकीन करें, आप क्वालिटी टाइम अगर आप आधे घंटे को या एक घंटे को आप क्वालिटी टाइम कहते हैं तो वो सिर्फ गले से लगा के प्यार करना इज नॉट अ क्वालिटी टाइम। चलो मैं तुम्हें बताऊँ, सुबह सेरी बनाई, अच्छा मैं अपने बच्चों के साथ सैरी की, हाँ, डालडा का रेसिपी डालडा आप लोग के बारे में, ममता वहाँ डालडा और 250 रुपए की ईदी भी दे रहे हैं, हाँ 250 रुपए की ईदी के साथ डालडा कुकिंग ऑयल में ऐड कर दूं, चिकन इसमें ऐड कर दूं, बाकी फिर मैं आपकी छोड़ेंगे नहीं, मैं साथ हूँ आपके भाई, मैं आज भाई लड़ेंगे हम दोनों, टेंशन नहीं लेने का, आज तो फाइट होनी है जी। बताएं देखो, अब सैरी बनाई, सैरी कराई, बैठ के सबने साथ में सैरी की, ठीक है। हाँ। सुबह मेरी क्योंकि क्लासेस होती हैं तो सैरी के बाद मैं नहीं सोती। अब मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट माय डॉटर सजल, तो जैसे कल मेड उसका यूनिफॉर्म प्रेस करना भूल गई थी, ठीक है, तो आई डिडंट आस्क सजल कि तुम अपना यूनिफॉर्म प्रेस करो, मैंने जल्दी से उसका यूनिफॉर्म प्रेस करके उसको दिया, उसके पेपर के बारे में उससे पूछा, मैं नीचे तक गाड़ी तक उसके साथ गई, उसको मैं ये बताती रही कि देखो 3 सेक्शंस हैं, इसमें से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, कार में बैठ के रिवाइज कर लेना। उसको एक अच्छा सा हक दे के उसको प्यार करके फिर उसने कहा मम्मा दुआ कीजिएगा, ठीक है, मैंने कहा बेटा कहने की ज़रूरत नहीं है। वो चली गई, 12 बजे उसके स्कूल ऑफ हुआ, ड्राइवर ने मेरी बात कराई, बाजी घर में बैठ गई। ये पहला सवाल मेरा उससे ऐसे ये था, आई वॉज इन यूनिवर्सिटी, कि बेटा पेपर कैसा हुआ, अच्छा चलो, नहीं मम्मा अच्छा हुआ, मैंने कहा चलो ठीक है, अभी आके मुझे पिक करो। अब हम रास्ते में साथ में गाड़ी में आए, मेरी लैब पे सर रख के वो सो गई, गाड़ी में मैं उसको मिला, सर उसका सहलाती रही। घर पे मैं पहुंची, मैंने उससे कहा कि सजल नमाज पढ़ के सोना वरना तुम्हारी नमाज रहेगी, मुझे ट्रांसमिशन में आता। उसने कहा मम्मा जाने से पहले मुझे, अब एक जो घर है जिसकी इनकम महीने की 30 से 35 हजार रुपए है, ठीक है, ठीक है, उसका घर का किराया 15,000 रुपए और उसके 3 बच्चे हैं। हाँ। अब आप मुझे बताएं वो औरत कैसे 7 बच्चे हैं, अब बताती हूँ क्वालिटी टाइम कैसे देगी। अब बीवी भी काम कर रही है और मियां भी काम कर रहा है। ये भी सोचना है, आपकी कतकलामी माजिद, अगर हम चले हम ये भी सोचते हैं कि उस एक औरत को घर काम करने की जरूरत ना पेश आए, वो एक ही घर में इतना कमा ले कि वो अपने घर जाके बच्चों को देख सके, लेकिन फिर उसके बाद और पीछे आई है कि जो देने वाले 8,000 है वो भी ज्यादा दे सकते नहीं, दे सकते, वो भी तो है ना, पेट्रोल कहाँ से पहुँचावा, आपको कमा के ले जाती है। मैं तो साइकिल पे आती हूँ स्टूडियो। देखो ये जो हमारी मेड्स है ना जो कमा के ले जाती है, सबसे पहले तो इनसे इनके शौहर छीन लेते हैं। हर मेड को ये प्रॉब्लम होती है कि बाजी इधर तनख्वाह मिलती है, हाँ, इधर हमारा शौहर हमसे छीन लेता है, आने से पहले ही चली जाती है उनसे। वो तो सबसे पहले तो वो मर्द छीन लेते हैं, कि वो मर्द थोड़ा काम करे तो उस बीवी का बोझ हल्का हो जाए, और वो भी कुछ डाल दिया ना आपने, तो फिर मर्द पे डाल दिया। हां मैं डाल दिया, टेंशन मत लो, मर्द भी काम कर रहा है, बता तो फिर मर्द भी तो एक मां की औलाद है ना, तो वो क्लासिकल हम एक डिफरेंस कर रहे हैं ना, मर्द को भी एक मां ने ही पाला है ना, तो उसकी तरबियत। मुझे एक बात बताएं इरम, क्या बात कर दी भाई, वाह वाह वाह, मतलब मैं तालियां बजाएं सारे। मैं यहां सानिया फायरिंग कर रही है। मेरा सवाल ये है कि जब एक गोद होती है, जैसा शुरू में हमने सवाल किया था कि एक माँ की गोद जो है वो एक दर्जगाह का काम करती है, वो दर्जगाह के सारे प्रेशर्स बेटी पर क्यों आते हैं, बेटे पर क्यों नहीं आते? बिल्कुल, बेटे को क्यों नहीं कहा जाता बेटा याद रखना तुम्हारे लिए किसी और की बेटी आएगी तो ख्याल रखना, ठीक है, बेटे को क्यों नहीं पता किसी की बहन आएगी तुम्हारे पास, सही है, वो कैसे ले लेता है उसका, वो कैसे मार पीट के, क्योंकि उसको पता है मैंने मेरे बच्चे हो गए हैं, मैंने अपना घर बचाना है। तरबियत तो माँ नहीं दी है ना, देखिए यहाँ पे अभी बात दो डिफरेंट बातें हो गई। अच्छा। एक हो रही है जिम्मेदारी की बात, जो माँ क्वालिटी टाइम नहीं दे रही है, ठीक है, दूसरी वहाँ पे जलाल को बेचारे को मर्दों के साथ बहुत हमदर्दी है, और वो खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। देखिए दो डिफरेंट चीजें, खर्चा पूरा ना होना या होना। एक फकीर जो है जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो औरत भी अपने बच्चे को गोद में समेट के बैठी होती है, बिल्कुल ठीक है, जितनी उसकी ताकत है, जितनी उसकी सत्ता है, या जितना उसके पास जो भी है वो अपने बच्चे को पूरा देती है, चाहे वो किसी की झूठी रोटी उठा के दे रही हो, बिल्कुल ठीक है, वो अपने हिसाब से दे रही है, बिल्कुल ठीक है, कोई भी माँ हो किसी भी लेवल की हो, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है। अब बात आती है कि वो खर्चा कैसे पूरा करेगी, ये एक अलग टॉपिक है। खर्चे तो बड़े बड़ों के नहीं पूरे हो रहे, क्योंकि लाइफस्टाइल सबने इतना जो है। जैसे जलाल ने क्लास सिस्टम की बात की ना, तो देखो अभी जैसे मैंने मेड्स के हस्बैंड्स की बात की, 90% वो पैसे वो ले लेते हैं। अब वहाँ पे जिस औरत ने उसकी तरबियत की ना, उस बेचारी माँ ने भी सारी जिंदगी ये गुजारा कि उसने कमा के अपने शौहर को, अपने बच्चों को खिलाया, उसने तो बचपन से ये देखा कि मेरी माँ खिला रही है, मेरा बाप ले रहा है, वो बिल्कुल बड़े होके वैसे ही बनेगा। अब एक अच्छे घर की अगर तुम बात करो जहाँ मियाँ बीवी मिलके कमा रहे हैं, ठीक है, वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ज़ाहिर है वहाँ पे मर्द अपनी बीवी से पैसे नहीं छीन रहा, दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ खर्च कर रहे हैं। वहाँ की हम ये बात करें कि भाई आप अपने बच्चे को, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि यार तुम अपने लॉकर की चाबी अपने मेट्स को नहीं दोगे, ठीक है, तुम अपने बहुत कीमती खजाना छोड़ के नहीं आओगी, बंद करके आओगी, ठीक है, अपना बच्चा कैसे छोड़ देते हो। उससे बेहतर है कि अपने इन-लॉज से अच्छे ताल्लुकात बना के रखो कि अगर घर से निकलो और दादा दादी मौजूद है, फुफिया मौजूद है, तो मेड से बेहतर है कि बच्चा उनके हवाले करो इफ़ यू आर अ वर्किंग लेडी, ताकि वो तरबियत का जो साइकिल है ना, हाँ, वो चलता रहे। लेकिन हमारे माशरे में फुप्पी को बुरा बनाया हुआ है, फुप्पी को जिहाद बनाया, सास को बुरा बनाया हुआ है हम लोगों ने। मेरी सास से अच्छी मैं समझती हूँ दुनिया में कोई सास ही नहीं है, मुझे पता चल रहा है ऑनेस्टली। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो हम तीनों बहनें बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह खुश रहता हूँ। मेरी ना बताएं, मैं पूछ रही हूँ, इस वक्त में जिस बच्चे को माँ और बाप दोनों का प्यार और क्वालिटी टाइम मिल रहा है, उससे ज्यादा खुशनसीब कोई है ही नहीं। बेशक आई होप कि बच्चे इस बात को समझ लें, आजकल के बच्चे इस बात को, ये एक और टॉपिक इस बात को समझने को तैयार नहीं होते। स्पेशल टाइम को, ठीक है, कि हमारे माँ बाप हमें ये टाइम दे रहे हैं। और ऑनेस्टली नंदे भी बहुत अच्छी होती हैं, ये हमारे माशरे का पता नहीं क्यों बिगाड़ रहे हैं। मैं बहुत अच्छी नंदू, पूछ ले मेरी भाभी, मैं यहाँ बहुत सुकून से बैठी हूँ, मेरे तीनों बच्चे घर पे हैं और मुझे सुकून है कि मेरी नंद घर पे उनके साथ, हाँ, ऑनेस्टली। तो इस जैसे खाला बहुत अच्छी है, ऐसे नंद बहुत अच्छी है। तो माया, ये रिश्ते हम खुद बनाते हैं, इनमें प्यार हम खुद पैदा करते हैं। वी नीड ट्रस्ट टू बिल्ड अ रिलेशन, जहाँ पे ट्रस्ट आ जाता है, जहाँ इज्जत आ जाती है, वहाँ पे रिश्ता रहता है। बात कहूँगा, हाँ, मेरे हमारे रेस्टोरेंट के बाहर मांगने वाले हैं, तो हम अक्सर ना, मेरी सबसे दोस्ती एक तरह से, वो मांगने वाले जितने भी बच्चे हैं ना, सबसे दोस्ती है। तो एक से मैंने कहा कि यार तू मेरे पास डिशवाशिंग पे लग जा, मांगता क्यों है, मांगता क्यों है, सही बात है, मेरे पास डिशवाशिंग पे लग जा, स्वीपर बन जा, हेल्पर ही पे आ जा। तो बोलते कितनी तनख्वाह दोगे, मैं दे दूंगा तुझे 20-22-25 हज़ार रुपए, ठीक है। तो बोलता है भाई मेरे घर का जो खर्चा है ना वो 45,000 रुपए, 45,000 रुपए, जितने 7 बहन भाई हैं वो है, और माँ बाप है, तो एक ही कमाने वाला, और वो बच्चा कमा रहा है और बाप कमा रहा है, और बाकी और कोई नहीं कमा रहा है, और कोई नहीं, बाकी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और वो बच्चा है, ये देखें भाई इतना बड़ा बच्चा है वो, तकरीबन मुश्किल से होगा कोई 12 साल का होगा, ठीक है। बोलता है मेरे, मुझे आप 45,000 रुपये दे दो, मैं स्वीपर, मैं कैसे दे दूँ उसको, स्वीपर के ऊपर 45,000 रुपये या डिशवाशिंग के ऊपर 45,000 रुपये मैं तो नहीं दे सकता। 20-25 हज़ार में कितने, 20-25 हज़ार में वो काम ही 9 घंटे का, 9 आवर्स पूरे करना, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो सोच रही थी सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बारान-ए-रहमत, पावर्ड बाय डालडा, ऑल्पर्स, लाइव बॉय और करशी। मैं हूं माया खान। मैं वक्फे पे सोचती हूँ इस बारे में, प्लीज़